जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चटोरी प्लेट में। और आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी के उत्सव पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जो है मेवा पाक, जिसका भोग हम अपने ठाकुर जी के लिए लगाते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और घर घर में बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं मेवा पाक की रेसिपी। यहाँ पर हम एक पैन में ले लेंगे आधा कप देसी घी और गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। बादाम को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ये कच्चे नहीं रहने चाहिए। और जब ये बादाम अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे काजू। काजू को भी सुनहरा होने तक भून लेंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमारे ये काजू फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे मखाना। मखाना को क्रिस्प होने तक हम भून लेंगे। दोस्तों, आप अपने कान्हा जी के लिए और क्या बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ ठाकुर जी हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जन्माष्टमी के बारे में कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये है खरबूजे के बीज। आप चाहें तो तरबूज के बीज भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ गोला। और यहाँ हमने डाला है किशमिश। इसी के साथ दो चम्मच खसखस भी ऐड कर देंगे और इनकी सारा मॉइस्चर निकलने तक हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से भुन गया है, ये देखिए, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम ये ड्राई फ्रूट्स, जो हमने काजू और बादामों को फ्राई किया है, हम इसमें ग्राइंडर में डाल लेंगे। लीजिए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, डाल दिया है और हम इसे दरदरा पीस लेंगे। इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, देखिए बिल्कुल इस तरह, क्योंकि जब इसके बाइट्स जो हैं वो मुंह में आएंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसी तरह हम इन्हें मखानों को भी ग्राइंड कर लेंगे, इस तरह हम इसको पीस लेंगे। अब यहाँ एक पैन में हम लेंगे चीनी। यहाँ पे हमने दो कटोरी चीनी ली है, इसी से हमने मखानों का भी नाप लिया था। और इसमें एक कटोरी हम डाल देंगे पानी और चीनी घुलने तक हम इन्हें अच्छे से चलाते रहेंगे। इसको हमें बहुत अच्छे से पकाना है क्योंकि हमें इसमें एक तार की चाशनी चाहिए। ये देखिए, आप इसमें बॉयलिंग आने लगे हैं और इसे हम पकने देंगे जब तक कि इसमें एक तार नहीं बन जाता है। तो यह गाढ़ी हो गई है और चेक करते हैं इसको। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें तार बन चुका है और हम गैस को कर देंगे एकदम स्लो। और इसमें हम ऐड कर देंगे सारे अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने तैयार किए हैं। आप इसमें जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें गोंद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गोंद को पहले धूप में सुखाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर रह गया तो वो दांतों में चिपकने लगता है। और यहाँ इस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो हम लोग जो हैं गोंद नहीं सुखा पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें गोंद नहीं डाला है। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हम अब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पर आप बस मिलाकर ही तुरंत ना जमाएं, वरना आपकी जो मेवा पाक है वो अच्छे से नहीं बनेगी। इसको थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे आप इसको पका लीजिए। यहाँ पर हम थाली तैयार कर लेते हैं। इस थाली में हमने लगाया थोड़ा सा घी, क्योंकि हम इसमें ही जमाएंगे मेवा पाक।
देखिए ये अब हम अच्छे से भून लेंगे और ये भून गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको फैला देंगे। इसको हमें थोड़ा क्विक करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये फैलेगा नहीं। तो ये देखिए ये हमारा सारा ये फैला दिया है और इसे ठंडा होने के रख देंगे। ये देखिए ये तैयार है हमारा मेवा पाक, हमने इसकी कटिंग कर ली थी। तो ये लीजिए ये मेवा पाक तैयार है दोस्तों। जन्माष्टमी में ज़रूर इसका भोग लगाइए क्योंकि बहुत टेस्टी होती है और ये प्रसाद के रूप में सबको बांटा भी जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने ठाकुर जी को अपने कान्हा जी को इसका भोग लगाइए, प्रसाद लगाइए। फ्रेंड्स आज तो हमने ये पंजीरी बनाई है, मेवा पाक बनाया है। अगली बार फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।